Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Challenge to ab janta degi jab samay aayega. सर चार साल वाला ट्वीट आपका बहुत अच्छा था. चलिए बहुत धन्यवाद आपका. और ये ट्वीट से ठीक कोई साफ सिटी बननी है आपकी जेब जरूर साफ हो जाएगी. पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया है, जीएसटी से हर चीज इतनी महंगी हो गई कि सड़कें साफ नहीं हुई, गांव साफ नहीं हुए, स्वच्छ अभियान से साफ हुआ नहीं कुछ, लेकिन आपकी जेब जरूर साफ हो जाएगी. पेट्रोल डीजल तो महंगा हो गया, वही पर तैयारी की जा रही बिजली के दामों को उगाने की. इसमें हम तो कुछ नहीं कह सकते हैं, शायद वो जनता का दुख दर्द नहीं समझ पा रही है बीजेपी के लोग. और जो सरकार जनता की दुख दर्द नहीं समझती है, समय आने पर जनता उनसे हिसाब किताब करती है. सर बंगले पे कुछ बात हुई थी सरकार के तरफ से, कुछ रुख आप जब मैं उसमें इसलिए कुछ नहीं कह सकता हूँ, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश होगा उसको मानेंगे. कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री जी के करीब पहुंच गया हूँ, अब बस घर बनाना है. दीवाल उनकी दीवाल हमारी दीवाल एक और हो जाएगी, तो सोचो एक साल में इतने करीब पहुंच गए उनके, अभी चार साल पूरे होंगे तो कितने करीब पहुंच जाएंगे वहां से. पीछे ना छोड़िए. थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद. कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक सम्मानजनक सीटें नहीं होगी तब तक हम वो सोचेंगे कि महागठबंधन के हिस्सा रहेंगे या नहीं रहेंगे. ये बहुत अच्छी बात आप बता रहे हो, कम से कम एक बात तो साफ हो गई कि गठबंधन होगा. ये अभी इतनी जल्दी आप क्यों पूछना चाहते हो? इसलिए पूछना चाहते हो ये खबर दूसरे तक चली जाएगी. आपको तो पता है कि समाजवादी लोग हमेशा सम्मान ही देते हैं. सर चार साल हो गए तमाम उपलब्धियां देखिए, जहाँ ये बीजेपी के लोग कुछ भी कर लें, ये जहां उपचुनाव होने जा रहा है वहां की जनता ने मन बना लिया है. क्योंकि जिस तरीके से आशा कार्यकर्ताओं को धोखा दिया है, जिस तरीके से आंगनवाड़ियों को धोखा मिला है, जिस तरीके से शिक्षा मित्रों को धोखा मिला है, जिस तरीके से अनुदेशकों को धोखा मिला है, जिस तरीके से किसानों के भुगतान न होने का धोखा मिला है, जिस तरीके से बड़े पैमाने पर भर्ती की बात की गई थी उनको धोखा मिला है और बिजली भी धोखा दे रही है. कमाल के मुख्यमंत्री जी हैं. बिजली 24 घंटे, लेकिन कोई सब स्टेशन नहीं बनाया उन्होंने. कोई सब स्टेशन बनाया हो तो बता दो, बिजली बनाने का कोई कारखाना लगाया हो तो बता दो. लेकिन वादे इतने बड़े जो जमीन पर कोई पूरा नहीं हुआ है. कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक सम्मानजनक सीटें नहीं होगी तब तक हम वो सोचेंगे कि महागठबंधन के हिस्सा रहेंगे या नहीं रहेंगे. ये बहुत अच्छी बात आप बता रहे हो, कम से कम एक बात तो साफ हो गई कि गठबंधन होगा. ये अभी इतनी जल्दी आप क्यों पूछना चाहते हो? इसलिए पूछना चाहते हो ये खबर दूसरे तक चली जाएगी. आपको तो पता है कि समाजवादी लोग हमेशा सम्मान ही देते हैं. सर चार साल हो गए तमाम उपलब्धियां देखिए, जहाँ ये बीजेपी के लोग कुछ भी कर लें, ये जहाँ उपचुनाव होने जा रहा है वहां की जनता ने मन बना लिया है. क्योंकि जिस तरीके से आशा कार्यकर्ताओं को धोखा दिया है, जिस तरीके से आंगनवाड़ियों को धोखा मिला है, जिस तरीके से शिक्षा मित्रों को धोखा मिला है, जिस तरीके से अनुदेशकों को धोखा मिला है, जिस तरीके से किसानों के भुगतान न होने का धोखा मिला है, जिस तरीके से बड़े पैमाने पर भर्ती की बात की गई थी उनको धोखा मिला है और बिजली भी धोखा दे रही है. कमाल के मुख्यमंत्री जी हैं. बिजली 24 घंटे, लेकिन कोई सब स्टेशन नहीं बनाया उन्होंने. कोई सब स्टेशन बनाया हो तो बता दो, बिजली बनाने का कोई कारखाना लगाया हो तो बता दो. लेकिन वादे इतने बड़े जो जमीन पर कोई पूरा नहीं हुआ है. सरकार रही होगी जिसके बैठा बैठा जान चली गई हो और मांग कर रहा था अपना भुगतान हो जाए. बिजली का बिल का मामला बड़ा निकल करके आया तो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान की जान जा रही है. सरकार को कोई परवाह नहीं है, सरकार केवल झूठे वादे कर रही है, किसानों को धोखा दे रही है, हर वर्ग के लोगों को धोखा देने का काम सरकार ने किया है. अखिलेश मुझे सरकार के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं घोषणा पत्र में जो भारतीय जनता पार्टी ने लिखा था कि वो लैपटॉप बच्चों को देंगे, बिना भेदभाव के बच्चों को सभी को लैपटॉप देंगे,
पहला बजट चला गया, दूसरा बजट चला गया, लेकिन दोनों बजटों में मैं नहीं समझता हूँ कहीं भी पैसा रखा होगा जिससे सभी बच्चों को लैपटॉप मिल पाए। खबर तो हमने पढ़ी थी कि पुराने लैपटॉप जो बचे हुए हैं उन लैपटॉप को भी वो सरकार वापस करना चाहती है। मुझे खुशी है इस बात की कि आज टॉपर्स बच्चों को एक बार फिर मुझे लैपटॉप देने का मौका मिला। ये लैपटॉप इसलिए दे रहे हैं हम बच्चों को, सरकार को याद दिलाना चाहते हैं, सरकार कुछ भूल गई है। बीजेपी पार्टी चुनाव के समय पर और चुनाव से पहले ये आरोप लगाते रहे कि समाजवादी पार्टी ने भेदभाव कर करके सरकार में कुछ ही लोगों को लैपटॉप बांटा है, और उन्होंने जनता से ये वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हर बच्चे को लैपटॉप मिलेगा और साथ ही साथ मुफ्त में डेटा देने का भी काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। इसलिए कुछ चीजें जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भूल गई है वो याद दिलाने के लिए 11 बच्चे जो टॉपर्स हैं उत्तर प्रदेश के, उन बच्चों को लैपटॉप देने का फैसला लिया है। और मुझे खुशी है इस बात की कि बच्चों ने स्वीकार भी किया है। कुछ बच्चे मुझे वो मिले जिन्हें पहले भी जब 10वां पास किए थे अच्छे नंबर प्राप्त हुए थे उन्हें, तब भी उन्हें समाजवादी सरकार में लैपटॉप मिला था, और आज जब उन्होंने 12th किया है तो एक बार फिर हम ही लोगों से उन्हें लैपटॉप फिर मिल गया है। मैं समझता हूं इससे ज्यादा खुशी का और क्या मौका हो सकता है।